हे वेलकम बैक, मैं विवेक बिंद्रा इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर लीडरशिप कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं। नया फॉर्मूला लेके आया हूं, बी क्यूब। आज का फॉर्मूला है बिलीव बिहेव बिगेट। क्या फॉर्मूला है? बिलीव बिहेव बिगेट। ये तीन चीजें हैं, पहले बिलीव, फिर बिहेव, फिर बिगेट। इसका अर्थ क्या हुआ? हिंदी में कहते हैं विचार से आता है व्यवहार, से बनता है आपका व्यापार। व्यापार सब चाहते हैं, सब चाहते हैं बढ़िया व्यापार हो जाए, प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन हो जाए। देखिए, एक व्यापार तभी ठीक होगा जब विचार ठीक होगा। इट्स अ गोल्डन स्टेटमेंट। योर बिहेवियर is a function of your belief system. One more time, your behavior is a function of your belief system. Belief को चेंज करना है। ये belief चेंज हुआ ना, behavior massive produce होगा। ये massive behavior produce कब होता है? जब belief ठीक हो जाता है। हर corporate review meeting के अंदर, annual review, quarterly review, monthly review, weekly review, सारे bosses result मांग रहे हैं, सबको output चाहिए। output तभी ठीक होगा जब input ठीक होगा। आउटपुट तभी ठीक होगा जब इनपुट ठीक होगा। रिजल्ट ठीक करना है तो डूइंग ठीक करो, डूइंग ठीक करना है तो पहले बीइंग ठीक करो। बीइंग से ठीक होता है डूइंग, और डूइंग से आता है आपका रिजल्ट। इसलिए रिजल्ट के पीछे नहीं जाना है, पहले बीइंग और डूइंग को सुधारना है। इसलिए आज का फॉर्मूला है बी क्यूब, बिलीव बिहेव बिगेट। आज की स्टोरी का मेरा हीरो है गॉड ऑफ बास्केटबॉल, बास्केटबॉल का भगवान माइकल जॉर्डन। 1963 में ब्रुकलिन नाम के शहर में एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ, जो कि न्यूयॉर्क के पास है। माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल का भगवान क्यों माना जाता है वो तो बाद की बात है। पहले बात करते हैं उनके बचपन की, जब वो 10-12 साल के छोटे थे। गरीब परिवार के अंदर चार पुत्र, माता पिता नहीं चला पा रहे थे, बड़ी कम तनख्वाह थी पिताजी की। पिता ने एक दिन माइकल को बुलाया, बेटा माइकल इधर आओ। जी पापा। बेटा माइकल, ये टी शर्ट कितने की होगी? पुरानी टी शर्ट है। पापा, में भी अबाउट $1। ओके ओके, गुड गुड, ट्राई करो $2 का बेचने का। माइकल सोचने लगे, $1 की पुरानी टी शर्ट $2 की कैसे बेचूंगा? ध्यान दीजिएगा, माइकल ये नहीं बोले कि नहीं होगा, माइकल ये सोचते थे कैसे होगा। और यही माइकल की खास बात थी, कम ऑन, बिलीव बिहेव बिगेट। अपने आप रिजल्ट आएगा जब आप ये सोचेंगे कैसे होगा, ये नहीं सोचना नहीं होगा। माइकल जॉर्डन ने टी शर्ट को धोया, उसको आराम से तय किया, सीधा किया, फोल्ड किया, बाजार में चले गए। दूर तक 8 घंटे घूमते रहे सड़क में, बड़ी मुश्किल से $2 की, रेलवे स्टेशन के पास किसी को बेच के आए। माइकल जॉर्डन वापस घर आए, पिताजी को बोले, पिताजी ये $2 है। पिताजी बोले, ओ यू डिड वेल इन लाइफ, वेरी गुड वेरी गुड। अब 4 दिन के बाद पिताजी दोबारा बोले, बेटा माइकल ये टी शर्ट कितने की होगी? पापा $1। गुड गुड गुड, आज इसको $20 की बेचो। $20? माइकल ये नहीं बोलता था कि ये नहीं होगा, माइकल बोलता था सोचते हैं कि कैसे होगा। माइकल फिर सोचने लगे, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। तभी माइकल को उसके दोस्त के साथ मिलकर एक आइडिया आया, एक मिकी माउस का स्टिकर लिया, उसको टी शर्ट के ऊपर पेस्ट कर दिया किसी तरीके से, और फिर बाजार में दोबारा लेके गया ऐसे स्कूल में जहां बहुत रईसों के बच्चे पढ़ते थे। वहां जाके बाहर बोलने लगा, ये टी शर्ट $20 की, मिकी माउस टी शर्ट $20 की, मिकी माउस टी शर्ट $20 की। एक बच्चे ने जिद कर दी, उसके पिताजी ने टी शर्ट भी दिलाई, $5 टिप भी दिया, $25 माइकल ने पिताजी को दिए। पिताजी बोले, वेरी गुड, तो जिंदगी में बहुत बड़ा काम करेगा। कम ऑन, हाथ आगे लाइए, कम ऑन, बिलीव बिहेव बिगेट, कम ऑन, बिलीव बिहेव बिगेट, कंसीव बिलीव अचीव। यहां कंसीव हो गया, इधर बिलीव करेंगे, अचीव अपने आप होगा। प्रॉब्लम क्या है? कंसीव और बिलीव नहीं कर पाते। तीसरा केस, पिताजी ने फिर माइकल को बुलाया, बेटा माइकल। जी पापा, अब क्या है? बेटा टी शर्ट कितने की है? पापा $1। गुड, पिछली बार कितने की बेची? पापा $20। इस बार $200 की बेच के आओ। $200? माइकल ये नहीं बोले कि नहीं होगा, माइकल सोचे कैसे होगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, माइकल सोचे कैसे होगा। तभी माइकल को पता चला हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस फारा उनके पास के शहर में आई हुई है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। माइकल को आइडिया आ गया, बड़े सारे पोस्टर में कुछ 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 लिखा, टी शर्ट उठाया, रातों रात भाग गया, ट्रेन पकड़ के शहर पहुंचा जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस फारा। उसके पास किसी तरह बार्जिन करके पुलिस बैरिगेट तोड़ के अंदर जाके घुस गए, और वहां करके उसके सामने मासूम सा बच्चा 12 साल का टी शर्ट लेके खड़ा हो गया। आपका ऑटोग्राफ चाहिए ही चाहिए, आपका ऑटोग्राफ चाहिए ही चाहिए। ध्यान दीजिएगा, वो ना नहीं कर पाई फराज को, बहुत सुंदर ऑटोग्राफ दे दिया। और उसके बाद क्या था, माइकल तुरंत बाजार में गए और जाकर के वहीं पे छोटा सा स्टॉल लगाया, बोला फराज सबसे खूबसूरत हॉलीवुड की एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ किया हुआ टी शर्ट केवल $200 में। भीड़ लग गई, वही भीड़ लग गई। पहली बार में 8 घंटा लगा टी शर्ट बेचने में, दूसरी बार में 4 घंटा, और तीसरी बार में केवल 4 मिनट लगे। बहुत बड़ी भीड़ आ गई, मैं लूंगा $200, क्या मैं 300 दे रहा हूं, मैं 400, 500, $1,000। वहीं पीछे से भीड़ में एक आवाज आई, मैं $2,000 दे रहा हूं और टी शर्ट मैं ही लेके जाऊंगा। 4 मिनट के अंदर $2,000 की टी शर्ट बेची, और माइकल उसके बाद अपने पिता के पास गए $2,000 लेके। पिताजी की आंख में आंसू आ गए, बोले बेटा माइकल अब तू जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, अब तू
जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। और यही हुआ, ये वही बच्चा था जिसको बास्केटबॉल का भगवान माना जाने लगा। दुनिया के इतिहास में इसने इतने रिकॉर्ड तोड़ दिए बास्केटबॉल खेल खेल के। जानते हैं, कंसीव, बिलीव, अचीव, कम ऑन, बिलीव, बिहेव, बिगेट। जब तक विचार नहीं रिप्लेस होगा ना, इस विचार को रिप्लेस कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। मैं कई वीडियो इसके ऊपर डालने वाला हूं, उसके ऊपर मेरा एक ओपन हाउस प्रोग्राम भी हो रहा है। बहुत भीड़ आ रही है, लोग आ रहे हैं। अगर आप भी अटेंड करना चाहते हैं जरूर आइएगा। अगर नहीं अटेंड कर पा रहे कोई बात नहीं, वीडियो लगातार देखते रहिए। इस वीडियो से किसी का फायदा हो शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नाउ, अभी तक नहीं किया कर लो, जरूर फ्री वीडियो मिलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।